ग्राम पंचायत रोचका मेम में अधिकृत पंचायत भूमि की राशि गबन मामले में पूर्व महिला सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक इस मामले में 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड मांगा है। बता दें कि नूह जिले के इंडरी खंड के ग्राम पंचायत रोचका मेव की भूमि अधिग्रहण की करीब 25 करोड़ रुपए मुआवजा राशि गबन मामले में पुलिस ने अब पूर्व महिला सरपंच खातूनी को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार पूर्व महिला सरपंच को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा। भ्रष्टाचार के इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से एक की जमानत भी हो गई। माना जा रहा है कि रिमांड अवधि के दौरान पुलिस पूछताछ में सामने आएगा कि कौन कौन करोड़ों रुपए को डकारने में शामिल रहे। पुलिस का दावा है कि पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ पता लगाया है कि गबन की गई करोड़ों रुपए की राशि कहां कहां खर्च की, उसकी सारी जानकारी जुटा ली गई है। बता दें कि वर्ष ग्राम पंचायत रोजका में करीब 20 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण HSIDC ने किया था। भूमि की 24,27,90,726 रुपए तत्कालीन सरपंच व कई विभागों के अधिकारियों ने मिली भगत कर पूरी राशि को विभिन्न बैंक खातों व अलग अलग फर्म के खातों में ट्रांसफर करा दी थी, जबकि बड़ी मात्रा में राशि को सरपंचों ने भी निकाला था। सीएम इंडो में शिकायत के बाद तत्कालीन सरपंच रमजान, उसके बाद चुनी गई महिला सरपंच खातूनी बेगम व वर्तमान सरपंच दीन मोहम्मद सहित अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। 5 नवंबर 2023 को मामला दर्ज होने के बाद सभी लापता हो गए थे, जिन्हें दबोचने के लिए पुलिस कृति में लगातार दबिश दे रही थी। वहीं बीते शुक्रवार को मामले में पूर्व महिला सरपंच खातूनी की गिरफ्तारी हुई, जिन्हें आज न्यायालय में पेश कर 5 दिन पुलिस रिमांड मांगा है। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये पुलिस ने BDPO की इंक्वायरी पर DC साहब के डायरेक्शन पर 5/11/2023 को FIR दर्ज की थी। रमजान पूर्व सरपंच रोजका में, खातूनी पूर्व सरपंच रोजका में, मौजूदा सरपंच धोना, बैंक के एम्प्लाइज, HSIDC और DRO ऑफिस के एम्प्लाइज के खिलाफ। और एलिगेशन ये हैं कि इन्होंने 1 सिग्नेटरी पर अकाउंट खुलवा लिया और इन्होंने जो प्रोसीजर था उसका वोलेशन किया, जबकि 2 सिग्नेटरी पर अकाउंट खुलना चाहिए था, और इस बेसिस पर इन्होंने 25 करोड़ रुपये का इसमें गबन किया है। ये पुलिस का केस है। तो इस केस में रमजान को अरेस्ट पहले कर लिया था, उसके बाद में इस केस में नसीम को अरेस्ट किया, जो एक बैंक का एम्प्लॉइज था, और उसके बाद में नसीम की कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी, और उसके बाद में काजम जो कॉन्ट्रैक्टर था सहरावत फर्म का और अभी मौजूदा सरपंच आगड़ा गाँव, उसको अरेस्ट किया जो अभी जेल में है, और उसके बाद में जो एक्स सरपंच खातूनी है इसका हस्बैंड दीन मोहम्मद, उसको अरेस्ट किया था 30 तारीख को, अभी वो रिमांड पर है। और आज खातूनी जो एक्स सरपंच थी उसको पुलिस ने कल अरेस्ट किया था, आज इसको पेश किया है, और पुलिस ने 5 दिन का रिमांड सीख किया है। और ग्राउंड से ये हैं कि इनसे हमने पूछताछ करनी है कि किन किन अकाउंट में पैसा गया है, और जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस प्रॉपर्टी की सेल डीड्स हैं वो मेरी सिस्टर के यहाँ जयपुर में है। इस ग्राउंड्स पर पुलिस ने रिमांड सीख किया है, तो हमने इसको अपोज किया है कि सारा जो काम हुआ है, जो पैसा का डिसबर्स हुआ है, जो विड्रॉल हुआ है, वो डी प्रोसेस हुआ है, उसमें कोई इलीगलिटी नहीं थी, और जो पैसा आया है वो सारा पैसा गांव के विकास के लिए खर्च हुआ है और सारा प्रोसीजर के तहत हुआ है। और BDPO ने जो इंक्वायरी की है, BDPO की इंक्वायरी इलीगल इंक्वायरी है, BDPO कंपिटेंट नहीं है इंक्वायरी करने का। उस ऑर्डर के खिलाफ हमने हाईकोर्ट में BDPO की इंक्वायरी को, हाईकोर्ट में हमने पटिशन फाइल किया उस ऑर्डर को क्वेश्चन करने के लिए। हाईकोर्ट ने हमारे अपील को मंजूर करते हुए स्टेट को नोटिस कर दिया था, 1 तारीख उसमें डेट थी, लेकिन 1 तारीख को कोर्ट वहाँ छुट्टी पे थी, अभी उसमें 12 तारीख के लिए उसमें आर्गूमेंट के लिए वो रख दिया है ऑनरेबल हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट में ये जो ऑर्डर था BDPO का इंक्वायरी ऑर्डर, वो हमें उम्मीद है 12 तारीख को हाईकोर्ट में वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ऑर्डर ये ख़त्म हो जाएगा तो ये जो FIR है ये ऑटोमेटिक FIR ख़त्म हो जाएगी। और जो सरपंच वाला जो केस था, जो सरपंच को सस्पेंड किया था, उस पर हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया।
सस्पेंशन पे।